हम लोग तीनों जन रहता है उसके अंदर में, ऐसी ही रात भर इसके अंदर पड़ा है। हम लोग इतना तक पानी आते कैसा रहता है भगवान को पता है, इतना रो रो के उसके अंदर में जी है। तो 35 केजी का तो आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो है पानी में जो है बर्बाद हो चुका है। ये पूरा ये देखिए इनका गाड़ी का हाल देखिए, पूरा गाड़ी में जो है पानी भर चुका है। आप सोचिए गाड़ी के अंदर में पानी भर चुका है, देखिए पूरा का पूरा जो है अभी भी पानी भरा हुआ है। शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबुडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम फिर से खड़े हैं ओल्ड पहाड़ गांव तेलुगु बस्ती में, और यहां पे जैसे कि हमने पहले भी दिखाया थे रात के समय काफ़ी घरों में जो है पानी भर चुकी थी, और आज भी वही मंजर है। अगर आप देखेंगे काफ़ी पानी भरी हुई थी, रात को हम आ नहीं पाए, मगर अभी सवेरे जब आए तो देखे तो यहाँ पर अभी भी जो है पानी भरी हुई है काफ़ी घरों के अंदर। तो आपको दिखाते दिखाने के बाद क्या है, इनका कहना है कि प्रशासन के कुछ लोग बात करे देखे और निकल गए। आज तक जो है वो तस से मस नहीं हुआ है, वो आज भी वहां पे बरकरार है। और लोग जो है आज भी ये जानना चाहता है यहाँ के कि क्यों इनका जो है इनको देखा नहीं जाता, और इनका जो समस्या है उसको पूरा क्यों नहीं किया जाता है। ना ही तो यहाँ पे प्रशासन के लोग पहुंचे हैं अभी तक, और ना ही तो जो यहाँ के काउंसलर है 16 नंबर के वो भी अभी तक पहुंचे नहीं है। रीज़न ये है, रीज़न नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है कि जिसकी वजह से काउंसलर भी यहाँ पे अभी तक पहुंच नहीं पाए। काफ़ी सारे घर हैं, हम आपको पहले भी बताए 70 से 80 घर यहाँ पे, जिस पे हमेशा जो है बारिश के समय बारिश जब होती है तो पूरे जो है घरों पे पानी चढ़ जाता है। सिर्फ यहाँ नहीं, हम आपको और भी घर दिखाएंगे बहुत सारे जगह पे। अगर आप देखेंगे पोर्ट ब्लेयर के अंदर में काफ़ी घरों में काफ़ी एरिया में जो है पानी भरी हुई है। पहले ये देखते हैं, देखिए इनका घर का जो है दरवाजा भी पीछे का टूट चुका है, क्योंकि जो प्रेशर से पानी आई हुई थी जिसके वजह से इनका पीछे का जो डोर है वो भी टूट गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर में जितने भी लोग थे वो कैसे बच के निकले होंगे, और इनका जितने भी सामान थे क्या वाकई में बचा होगा। उसके बाद भी जो है प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देता। देखिए सवाल मैं बार बार उठा रहा हूँ कि कई बच्चों को जो है आपने सीडीवी में लिए हैं, सिविल डिफेंस वॉरियर्स में लिए हैं, बट अभी तक जो है उनको फील्ड में नहीं उतार रहा है। आप सिर्फ उनसे जो है ऑफिस के काम करवा रहे हैं, उसमें देखेंगे तो उस समय जितने भी बच्चों को लिए थे वो सिर्फ जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लिए थे। आज इतना जो है पानी भरने के बाद भी एक भी आपको सीडीवी के बच्चे यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। और हम पहले भी सवाल उठा चुका है, उनको जो है ऑफिस वर्क के लिए नहीं लिया गया था, उनको जो है जब भी आपदा आती है तो उस समय लोगों के साथ खड़ा होने और उनको हेल्प करने के लिए कि जो स्टाफ है, अगर आप देखेंगे तो महिलाएं उसमें अधिक से अधिक है। और एक इतने बारिश आ चुके हैं, कई घरों पे पानी भर रहे हैं और कई जगह पे जो है काफी दिक्कतें हुई लोगों को, पहले भी हमने दिखाया और आप प्रशासन को भी पता है कि बहुत सारे घरों पे पानी आज भी जो है अभी तक सीडीवी के एक स्टाफ यहाँ पे नहीं दिखाई दिए। तो वैसे में सीडीवी के स्टाफ को क्या सिर्फ ऑफिस के काम के लिए और किसी और काम के लिए लिए है, ये सोचने वाली बात है। और प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए कि एक अगर कुछ लोगों को लेते हैं सीडीवी के लिए और उसका मकसद ये था कि कभी भी कुछ भी आपदा आए या ऐसा कुछ हो तो जिस उस समय जो है इनको जो है फील्ड में लेके जाए, और मान लीजिए पेड़ गिरते तो पेड़ हटाए और बाकी जितने भी काम है उसको करने के लिए इनको लिए थे, मगर हो नहीं रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये इसी में सोचे और सोचे अभी क्या हाल हो चुका है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुका है। तो अभी वो साफ कर रहा है, क्योंकि प्रशासन से तो उनको उम्मीद नहीं है और यहाँ के काउंसलर से भी उम्मीद नहीं है। इस वजह से वो जो है जैसे पानी रुक जाए, बारिश रुक जाए, उसके बाद में जो है ये इसी पालंग में फिर से सोएंगे, इसलिए साफ कर रहा है क्योंकि इनको इनका दर्द मालूम है। ये देखिए यहाँ पे पानी ये घर का यहाँ तक आ चुका था, देखिए ये लेवल देखिएगा, ये देखिए अगर आप पटाएंगे पूरा यहाँ तक जो है पानी थे।
आप सोच सकते हैं कि घर वाले कैसे रात बिताए होंगे, अभी सवेरे तो हो गए, रात कैसे बिताए होंगे, ये आप लोग इसी से समझ में आता होगा इनको। तो देखिए पूरा सामान जो है बह चुका है, ये अक्सर होता है यहाँ पे। काउंसलर अभी तक नहीं पहुँचे, काउंसलर को काउंसलर आए थे यहाँ पे? नहीं काउंसलर नहीं आए, नहीं आए काउंसलर नहीं आए। देखिए कपड़ा सब देखिए, यहाँ तक देखिए, देखिए पूरा कीचड़ हो चुका है। प्रशासन प्लीज आप अगर ध्यान देंगे सीएस साहब तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। आप अगर एक टीम बना देंगे एटलीस्ट, वो सीडीवी के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनको आपने ली है डीसी ऑफिस में, जिसे ऑफिस का काम करवाते हैं, उनको भी अगर रख देते तो एटलीस्ट जब इस तरह जब आपदा आता है, जब पानी भरते हैं किसी घर पे, तो वैसे में उनको जो है हेल्प करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए उनको उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि देखिए ये पूरा कपड़ा में देखिए कीचड़ कीचड़ है, तो यहाँ तक पानी भरा था। देखिए पूरा कपड़ा देखिएगा, ये देखिएगा वो पानी का मोटर, ये देखिए पूरा, देखिए ये व्हाइट वाला टवल है, टवल देखिए पूरा का पूरा कीचड़ हो चुका है। तो इसी से समझ सकते थे कि ये लेवल में जो है पानी आई हुई थी। आपको और भी दिखाते हैं, अंदर में अभी भी पानी भरा हुआ है। ये देखिए ये एरिया में पूरा, देखिए इनका घर में पूरा पानी भरा हुआ है, अभी भी काफ़ी पानी है। देखिए अभी अगर आप देखेंगे लगभग घुटना के वहाँ तक जो है पानी पहुँच चुका है घर के अंदर में, अभी जो पानी बारिश रुकने के बावजूद। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ये पानी कितने बजे चढ़े थे? दो बजे का आया पानी अंदर आया है। 2 बजे रोड में बजे रात में आप लोग कहाँ थे? क्या करेगा, पता ही नहीं था, ऐसा बात ऐसा बैठ गया पानी आने के बाद गया ऐसा रखा है। हाँ मोटर सारा चले गया, कुआं को ऊपर से वो देखिए घर देखिए कितने तक आया पानी। ये आज सबसे ज्यादा पानी आया था लग रहा है, आज ज्यादा ही आया, ये बार तो ज्यादा आया, बाकी टाइम तक थोड़ा थोड़ा ही आता था। जो राशन लाते हैं उसमें चावल है देखिए, तो 35 केजी का, तो आप देखिएगा ये पूरा का पूरा जो है पानी में जो है बर्बाद हो चुका है ये पूरा। ये देखिए इसको और यूज़, क्या इसको और यूज़ कर पाएंगे? नहीं नहीं कर पाएंगे। तो अक्सर ऐसे ही होता है? अक्सर हमेशा ऐसे ही होता है। ये देखिए कितना नुकसान इनको हुआ होगा, इनको सिर्फ नहीं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी घर है, घर के अंदर में जब पानी आता है तो उसके अंदर में जितने भी सामान, सिर्फ चावल नहीं, अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर में जितने भी सामान है सारे के सारे बह जाते हैं, और इसी तरह हाल देखने को मिलता है। कौन आया कौन नहीं आया हम लोग नहीं देख पाया, हम लोग को क्या, हम लोग तो यहाँ पे वोट डालते हैं यार, पार्टी को वोट डालते हैं, उसके बाद भी कोई तो वो तो थोड़ी देखते हैं हम लोग। ये घर आए हम लोग को आपका समस्या जाने? नहीं नहीं हम लोग पूछ रहे हैं तकलीफ में, तो मेरा तकलीफ में क्या गिरता क्या नुकसान होता वो सब घर के अंदर में देखता है, लेकिन कौन आता कौन नहीं आता वो देखने के लिए हम लोग को टाइम भी नहीं मिलता। घर के अंदर हम लोग मर जाएगा जिंदा होएगा वही डर लगता है। और बढ़ते भी रह सकता, इतना में ही नहीं आते, छाती लेवल में आया। घर का आधा से ज्यादा हिस्सा जो है डूब गया, मेरा अम्मा कंधा पे रख के हम लेके गया, फिर वो बच्चों को लेने आता था, पानी मेरे को फोर्स में ढकेलता था, तब भी कैसे कैसे बल्कि आया, क्योंकि बचा नहीं है मेरे को, मेरा भाई है वो, आगे आगे और बढ़ेगा तो हम लोग हालत के, अभी ठीक है इतना में रुक गया, उसका बाद आएगा तो उसका हम लोग हालत के, बताइए प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? हम लोग एक ही बोलेंगे इसको जितना जल्दी हो सके उसको सोल्यूशन ढूंढ के उसको बना देगा तो अच्छा है। अभी हम लोग इतना साल से रहते हैं, छोड़ के तो नहीं जा सकते, कहाँ जाएंगे हम लोग? ट्रेन बन जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम लोग बस ये ट्रेन बन जाए तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बस्ती का, बाकी हम लोग संभाल लेगा जो भी है, आगे जा नहीं पाएंगे। ये सारा एरिया जो है पानी से भरा हुआ है, सारे घरों पे जो है पानी आ चुकी है, वैसे में यहाँ के लोग कैसे जी रहे होंगे, डर के माहौल में कैसे रहते होंगे, ये वीडियो से ही आपको समझ में आ गया होगा। वो देखिए वो बुड्ढा बुड्ढी जो है, वो लोग बेचारे दो ही है, सिर्फ दो ही दो जन है और कोई नहीं है उनका, वहाँ तक जाने हम लोग ट्राई करे थे लेकिन नहीं होता मेरे से, मैं छोड़ दिया, और मेरे से नहीं हुआ छोड़ दिया, लेकिन वो लोग इतना पानी में बुड्ढी ऊपर चढ़ा के बुड्ढा बैठा दिया कैसा कैसा, वो बुड्ढा 6 घंटा से पानी में खड़ा है बुड्ढी। हम लोग तीनों जन रहता है उसके अंदर में, ऐसी रात भर इसके अंदर पड़ा है, हम लोग इतना तक पानी आते कैसा रहता है भगवान को पता है, इतना रो रो के उसके अंदर में चिया है, कोई प्रशासन के लोग भी नहीं, और जिनको चुने हैं काउंसलर
वो भी यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से इनको काफी दिक्कत हो रही है। अगर 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 आप देखेंगे स्मार्ट सिटी के अंदर रह रहे हैं ये लोग, फिर भी इतना परेशानी के साथ में रह रहे हैं। कितना लाख करोड़ रुपया जो है इस पे लगा चुके हैं, मगर तस से मस से लोग जो है आज भी परेशान है। यहाँ पे जो है लोग कह रहे थे कि 3 से 3:30 बजे के अंदर में काफी पानी इनके घरों में आ गया था, और पानी का लेवल भी हमने दिखाया था। मैक्सिमम घर जो है आधा घर से ज्यादा जो है डूब चुका था, घर के आधे हिस्से जो है डूब चुके थे। तो चलिए बात करते वैसे में इन लोग अपने बच्चों को और सामान को कैसे बचाए, और इनका वाकई में क्या समस्या, क्या कदम उठाते आगे, ये भी देखने वाली बात है। तो ये बताइए आप लोगों को क्या क्या दिक्कत हो, क्योंकि हमें खबर मिला कि 3 से 3:30 बजे के अंदर बीच में जो है पानी अंदर आ गए थे, उसके बाद क्या क्या समस्या। उसका बाद में आने से घर खोल के देखने से पूरा पानी भरा है, किसका इसका दरवाजा टूट के अपना फ्रिज है टीवी है सब पानी में बह के चले गया, सिलेंडर सब। हम लोगों तो ऊपर में रहता है, मम्मी लोग नीचे रहता है, इसका प्रॉब्लम तो ज्यादा सॉल्व नहीं है। कम से कम पहले से भी 2 फीट कम आया, और एक 2 फीट ज्यादा आता तो घर में कोई सामान नहीं बचता था। इससे एक 12 साल का पहले भी इसी तरह एक बार आया था, ये सेकंड टाइम इस तरह आया, और इससे कम आया और 2 फीट ज्यादा आता था। ये जब स्टार्ट हुआ उसके बाद तो बहुत दिन पानी नहीं आया था। इसके बाद क्या हुआ, हम लोग का जो पॉली से एक ड्रेन बनाया था, वो ड्रेन हम लोग करना है 16 नंबर वार्ड का कौनसर बनाया था 5 साल का पहले, 3 साल 4 साल पहले वो ड्रेन बोला था। पहले बोला था पॉली का वहाँ से लेके हम लोग को मेन रोड टच करेगा बोला, वहाँ तक टच नहीं किया। जो जगह पानी जो डैम का तरह स्टॉक रहता था वो जगह ड्रेन बनाया, 6 मीटर का नाली बनाया 4 मीटर का। हम लोग जब वार्ड काउंसिल को बोला ये ड्रेन को कम से कम हम लोग को वहाँ तक लेके जाना, मेन रोड तक लेके जाना, मगर वहाँ तक निकाला, वहाँ तक बंद हो गया, फंड खत्म हो गया, वहाँ रोक दिया। और उससे पहले जब कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग से नहीं करके एंड एरिया में जाके जो है स्टार्टिंग में थोड़ा किया, मेन रोड में थोड़ा किया, और जैसा जो जलसा जो मॉल है वो मॉल को उधर देखिए 2 मीटर नाली बनाया, बड़ी हाइट करके बनाया जी। नहीं तो पहले क्या करता था, मॉल के अंदर पानी जाता था और सामने से डूबता था, उधर बनाया और पीछे साइड बनाया। जो 20 का जमीन जब पटवारी आके तहसीलदार आके हमें सर्वे किया, हम लोग सर की बात है ये 5 साल के 6 साल का पहले जब सर्वे करने टाइम हम लोग बोला हम लोग का रूम देखिए, बोल नाप के भी किया, बोला आपको ये रूम टूटेगा। हम लोग बोला भी है आपको जहाँ तक मांगता वहाँ तक तोड़ लो, जहाँ तक मांगता वहाँ तक तोड़ लो। अभी भी एग्री है, आप लोग अपना पट्टा का सर्वे से देख के आप तोड़ के जाइए। कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि आप लोग एरिया में काफी एंक्रोचमेंट की है। हम लोग एग्री है, हम लोग लिख के भी दिया, साइन करके भी दिया, हम लोग सब कुछ रहिए। सरकार का जमीन में जब नाली घर बनाया तो तोड़ने का हक सरकार का है, पर आप लोग तैयार भी है, तैयार भी है ये लोग, एक वो लोग रेडी है, जिसका पट्टा वो रेडी है, जिसके एनक्रोचमेंट है वो तो छुपेगा ही है। उन लोग एनक्रोचमेंट अलर्ट कौन करता, ये काउंसलर लोग एमपी लोग यही लोग तो करते, और वो पटवारी उनको किसी का कॉल का कोई रिस्पॉन्ड है, पटवारी को कॉल करे तो अपना मतलब नहीं है, उन्हीं लोग तो अलर्ट करते। पहले ग्राउंड पहले वो जो जो आप ये दिखा दे रहे ना वो पूरा नाला था, उसको घेर लिए, वो कौन है, वो सरकारी जमीन था, वो नाला किसका है, सरकारी जमीन है, उसको अलर्ट कर दिया, अलर्ट करके वो मट्टी डाल दिया, अपना घर वर बना दिया, नहीं किया वो एंक्रोचमेंट कर दिया, मगर उसमें जो है प्रशासन कुछ डिपार्टमेंट तो दिया है ना उनको, राइट्स तो डिपार्टमेंट दिया है कि तुम भाई ये घेरो जमीन, बाकी हम देख लेगा पेपर वर्क हम करके देगा, करके दिया, अभी उसका वजह से ज्यादा डूबता है ये, यही हालत। पीछे साइड में सामने साइड बना के बीच में छोड़ दिया, वो लोग को मौका का पैदा किया, घर वाला लोग नाली में बना दिया। अरे घर वाला नाली बनाए तो आप क्या करते आप लोग, अरे आप लोग 2 जन का वजह से इतना पलटन लोग डूबते है, 100 आदमी लोग डूबते है, वो 2 जन को तोड़ के जाइए ना, अपना देगा, सब साइन भी किया, पटवारी आके कुट्टी भी गाड़ के गया मेरे घर के सामने, ये देखिए ये घर मेरा है जी। मेरे को बोला आपको आपको बाथरूम तक टूटेगा बोला, हम बोला तोड़ दीजिए आप अपना घर को, हम तोड़ दीजिए, आप यही नाली को कोना तक लेके जाइए, यहाँ जितना चौड़ा बनाएगा वो चौड़ा को आप लास्ट तक लेके जाइए, हम तोड़ के देगा मेरा जमीन, हम मांगता हम एग्री भी है, मेरे घर मांगते एक रूम सामने बढ़ा लेगा हम। अरे हम नहीं डूबता तो बाकी लोग भी डूबते हैं ना, सिर्फ आप नहीं डूबता पूरा गांव डूबता है ना, मेरा एक घर नहीं है। अगर गवर्नमेंट रोड बनाता है तो घर बिना तोड़े रोड बना दे क्या, तोड़ेगा ना कैसा भी तोड़ेगा ना, हाँ चाहेंगे तो अभी कोई एक आदमी नहीं मांगता नहीं तोड़ो, हम लोग नाली नहीं मांगता बोला बोल के क्या सबके लिए रोक दे क्या, इतना पब्लिक इतना पब्लिक सफर होता ना, इतना सफर होता तो चल जाए, सर्वे कराइए पूरा बस्ती का सर्वे, बोलते है ना कि एनक्रोचमेंट वाले नहीं। आखिर में देखिए ये सब तो चलते रहेंगे, आखिर में आप लोग क्या चाहते हैं, हम लोग बड़ा ड्रेन चाहिए, मंगता जमीन दोनों तरफ से ले लीजिए, सब एग्री रहेंगे, हम लोग मंगता सबका सब साइन करके भी देगा,
बस नाला बनना है। तोड़ने आएंगे तो आप लोग सब हेल्प करेंगे? हम लोग सब हेल्प करेंगे, सब एग्री है, सब एग्री है। एक बात है, फुल मेन रोड है ना सर, मेन रोड है, मेन रोड का, मेन रोड में आप देखिए, मेन रोड में एयरपोर्ट का दीवार है और यहाँ मेन रोड है, उधर में नाली में देखिए बड़ा बड़ा पेड़, मगर ड्रेन सफाई नहीं करते लोग, और पानी कहाँ जाएगा सर? आप लोग भी सोचिए, जो ऊपर में जो बैठे वाले भी सोचने दीजिए ना। जो एनके का स्टेचू है उसके सामने जो नाला एयरपोर्ट का जो कंपाउंड वाला है, वहाँ पे आप देखे कम से कम 300 से 400 गाड़ी मट्टी है वहाँ पे, तो पानी कहाँ से जाएगा? तो कॉन्ट्रेक्टर का हो गया काम, हो गया दीवार बनाया, मट्टी छोड़ा, चल दिया वो भी। तो ये है समस्या है लोगों की, और इनका कहना है कि अगर इनके घर के पास में भी अगर ड्रेन बनाते समय अगर तोड़ना होगा तो इन लोग उसके लिए भी एग्री है, हमने आपको सुनाया। साथ ही साथ देखिए, एंक्रोचमेंट का बात उठता तो कहीं ना कहीं अगर एंक्रोचमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन, खास करके जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, गलती से हो रहा है, क्योंकि उस एरिया का जो पटवारी है और चौधरी है, खास करके चौधरी और पटवारी, इनके नॉलेज के बिना कोई एक वहाँ पे कंबा नहीं गाड़ सकते, ये आप लोग सभी को मालूम है। अगर कंबा गाड़ रहा है, वहाँ पे गड्ढा कर रहा है और घर बना रहा है, बड़े बड़े मकान बन जाते हैं, तो सवाल उस, खास करके उस पटवारी के ऊपर में उठना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस तरह के जो पटवारी लोग हैं उनको एक दो को सस्पेंड करेंगे तो बाकी समस्या दूर हो जाएंगे, और इस तरह जो ड्रेन का दिक्कत हो रहा है आगे नहीं होगा। ये देखिए इनका गाड़ी का हाल देखिए, पूरा गाड़ी में जो है पानी भर चुका है, आप सोचिए गाड़ी के अंदर में पानी भर चुका है, देखिए पूरा का पूरा जगह अभी भी पानी भरा हुआ है, तो क्या हाल हुआ होगा रात के समय जब पानी यहाँ पे आई थी। ये कम्युनिटी हॉल है यहाँ पे, ये सर 2005 में नहीं 2002 में बनाया वाला बिल्डिंग है, 2005 में से 2016 तक हम आंगनवाड़ी चलाई इधर में, ये डूब जाता बोल के, इसको बना के देगा बोल के मेरा को खाली करा के इधर में बिल्डिंग लिया। ये बोर्ड कल तक बोर्ड था ये वाला, जब सेक्रेटरी को लेटर लिखा है कि आंगनवाड़ी का सेंटर बन के 2022 जुलाई 15 तारीख को इसका ओपनिंग करा श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने, उसका बावजूद भी हमको नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया, बोर्ड था आंगनवाड़ी का, अभी बोर्ड भी हटा दिए, बोर्ड भी हटा दिए, सेक्रेटरी को लेटर दिया बोल के बोर्ड हटा दिए। ठीक है, ये जगह में अगर मेरा आंगनवाड़ी इधर चलता है, अगर मेरा को ये चाबी दिया होता आज 10 परिवार आकर इधर में शेल्टर ले सकते थे, भरा था। बाकी टाइम तो कोई अपना घर से तो आएंगे नहीं, किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह सिचुएशन जब पूरा हालात खराब रहते हैं वो टाइम में 10 जन आके इधर में शेल्टर ले सकते थे, लेकिन वो वजह भी बंद करके रखा है काउंसलर। तो क्या करने एमपी लाइट से वो बनाया, क्या करने लोगों की सुविधा के लिए बनाया, मगर लोग उसमें जो है क्या डच्चे बर्तन डालने के लिए बना के रखा, डच्चे बर्तन रखने के लिए मेरा को खाली कराया था यहाँ से। हाँ, वो उस टाइम में हमको खाली जब कराया था उस टाइम में हमारे DC साहब थे उदय प्रकाश जी, वो उन्होंने आके बोला आपको बना के देंगे, अभी इसको आप खाली करिए, दूसरा जगह में जाइए, हम लोग इसको नया से ऊंचा करके बना के देंगे। अभी 2022 में ये बन के तैयार होके इनॉग्रेशन भी हो गया, अभी 2023 जुलाई 15 तारीख चला गया, मतलब 1 साल 2 महीना हो गया, आज तक इसको हैंड ओवर नहीं करा डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं करा। जो मौजूद बस्ती में रहती है हम, तो मेरा को पता रहेगा कि हाँ सारा जन का साथ में मैं भी डूबती हूँ, तो मेरा कुछ बच्चे हैं एरिया के, वो बच्चों को बचा के हम इधर में लेके आ सकती, लेकिन वो चीज़ भी हमसे छीना गया है। तो ये देख, इसको दिखा दो ना, ये देखिए ये है आंगनवाड़ी सेंटर, ये वाला वो फाउंडेशन डाला वाला है जी, विष्णु दादा ने डाला था। ये आंगनवाड़ी सेंटर है वार्ड नंबर 16 की, और ये बना के रेडी भी हो चुके हैं, अब तक जो है इनको एंडवर नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ये जो है लाभ नहीं उठा पा रहे। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।